हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है निम्मी ब्यूटी ट्रेनर में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक हेयर मास्क के बारे में, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, आपके लिए होगा बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। अगर आप इस होम रेमेडी को यूज करना चाहती हैं, अगर आप इस होम रेमेडी को फॉलो करना चाहती है, तो मेरे वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड, हम यहाँ बात करने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी हेयर मास्क के बारे में। फ्रेंड, मुल्तानी मिट्टी के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सभी मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक भी बनता है, मुल्तानी मिट्टी से आप हेयर वॉश भी कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क भी बना सकते हैं, और आप मुल्तानी मिट्टी को अलग अलग तरीकों से अपने ब्यूटी टिप्स में, अपने स्किन केयर, अपने हेयर केयर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि मुल्तानी मिट्टी हमें किस किस फॉर्म में कैसे कैसे हमें यूज करनी है, पर फ्रेंड आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क, जो कि होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, और आपके बाल बहुत ही ज्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, और आपके बाल बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे बेजान से हो गए, तो आपको इस हेयर मास्क को एक बार जरूर अप्लाई करना चाहिए। और इस हेयर मास्क को यूज करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने वाली हूँ, आप उसी तरह से उसे फॉलो करें और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके हेयर कर्ली है और आप चाहती हैं कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाए, आप किसी पार्लर में जाके नहीं करवाना चाहती, आप चाहती हैं कि सस्ते में, या फिर आप चाहती हैं कि कम से कम पैसे में आपके बाल स्ट्रेट हो जाए, तो फ्रेंड इस होम रेमेडी को अगर आप फॉलो करती हैं वीक में 2 से 3 बार, तो आपके हेयर जो है कुछ टाइम के बाद थोड़े बहुत हल्के हल्के से स्ट्रेट होने लगेंगे। फ्रेंड, 1 से 2 बार में कुछ नहीं होता है। 1 से 2 बार में अगर आप कोई भी होम रेमेडी यूज करती हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो भी कोई होम रेमेडी यूज करती हैं, आप जिस भी होम रेमेडी को यूज करती हैं, उसे आपको वीक में 2 से 3 बार जरूर यूज करना है, और आपको उसे कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक उसे फॉलो करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड, ये सारी चीजों के बाद अब हम बढ़ते हैं हेयर मास्क को कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ले लेना है यहाँ पे एक खाली बोल, और हम लेने वाले हैं इसमें 2 टीस्पून कर्ड। आप चाहें तो कर्ड की क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी। आपको मुल्तानी मिट्टी भी यहाँ पे अपने बालों के लेंथ के हिसाब से लेनी है। मेरे पास यहाँ पे ये घर का ये मुल्तानी मिट्टी है जो मैंने घर में इसे पीसा है, मैं इसी मुल्तानी मिट्टी का यूज करने वाली हूँ अपने बालों के लिए। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का यूज करने वाली हूँ। आप अपने बालों के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकती हैं। और उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे एलोवेरा जेल 1 टीस्पून। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारी चीजों को ले लिया, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दही थोड़ा सा और चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और दही ले लेती हूँ। और इसमें मिक्स करेंगे हम थोड़ा सा पानी, ताकि एक ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसको हमें गाढ़ा नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा हमें पतला ही रखना है, ताकि ये बालों में स्मूथली बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाए। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड, मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ 1/2 केला। आप चाहें तो केले को स्किप कर सकते हैं, बट मैंने इस हेयर मास्क में 1/2 केले का भी यूज किया है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मैश कर देना है, उसके बाद इसे हम अप्लाई करेंगे। फ्रेंड, इस हेयर पैक को यूज करने से पहले आपको अपने बालों को कोम कर लेना है, अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है। जैसे कि मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से कोम कर लिया है, इसके बाद ही मैं इस हेयर पैक को अप्लाई करूंगी। अगर आपके बाल उलझे हुए हैं और आप इस हेयर पैक को यूज करती हैं, तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा टूटेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होगी। तो अगर आप ये सारी चीजें नहीं चाहती हैं, तो अपने बालों को पहले ही कोम कर ले, उसके बाद ही आपको इस हेयर पैक को अप्लाई करना है। फ्रेंड, अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की सहायता से भी इसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हाथों का ही यूज कर रही हूँ इस हेयर पैक को लगाने के लिए। फ्रेंड, मैंने इसमें 1/2 बनाना मिलाया था, तो उस बनाना को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है अपने हाथों से। अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसे स्कैल्प में लगाना स्टार्ट करना है।
फ्रेंड मैंने इस हेयर मास्क को अप्लाई कर लिया है। अब इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, आपको 15 से 20 मिनट के बाद हेयर को वॉश कर लेना है। और आपको वॉश करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी कंडीशनर वगैरह यूज ना करें अपने हेयर पे, आप सिर्फ शैम्पू का ही यूज करें। अगर आप सिर्फ पानी से ही वॉश करती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आपको कल कहीं जाना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे शैम्पू करना है, तो आप चाहे तो शैम्पू कर सकती हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट डे शैम्पू करें, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड हम 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, पहले से काफी ज्यादा सिल्की स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। अगर आपको भी ऐसे हेयर चाहिए तो आप इस हेयर पैक को एक बार जरूर यूज करें, वीक में आप इस हेयर पैक को एक बार जरूर यूज करें, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड।